इस क्वेश्चन को देखो, ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है भाई, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थ्री, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। आपको बताया चैप्टर नंबर टू चल रहा है, किसका? एस एल अरोड़ा का। तो आपसे कह रहा है थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी 1, 2 and 3 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड सच दैट सेकेंड एंड थर्ड आर इन सीरीज। सेकेंड एंड थर्ड, इसका मतलब ये है ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, इन सीरीज, एंड द फर्स्ट वन इन पैरेलल। तो जो पहला वाला है वो पैरेलल में लगा हुआ, लेकिन किसके पैरेलल में लगा हुआ? तो पहले जो आपने सेकंड और थर्ड को ले करके जो सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया उसके पैरेलल में लगा हुआ है पहला वाला। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है इसका डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि सेकंड और थर्ड आपने ये सीरीज में बना दिए, ये टू है और ये थ्री है, और इसके पैरेलल में लगा हुआ है पहला वाला। तो पहला वाला आपने ये बना दिया, ठीक है। अब एक वायर यहाँ से निकाल दो और एक वायर निकाल दो यहाँ से। हमसे कह रहा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट कैपेसिटी। तो रिजल्टेंट कैपेसिटी पूछ रहा, तो ये है फर्स्ट। अब रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? ये दोनों सीरीज में है, तो इसको कह दो आप C1, इसको कह दो आप C2, और ये है आपके पास C3। तो यहाँ आप कहेंगे सॉल्यूशन में हेयर C1 एंड C2 आर इन। वैसे क्वेश्चन के हिसाब से तो इसको C2 कहना बेहतर है, C2 इसको कहो और C3 इसको कहो और C1 इसको कहो, क्योंकि ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। तो आप कहोगे C2 एंड C3 आर इन सीरीज। तो ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो आपको बताया इनका रिजल्टेंट कैसे निकलता। तो आप कहोगे C- कह दोगे रिजल्टेंट को, और आपको पता सीरीज में दो कैपेसिटर का जो रिजल्टेंट होता है ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे ऐड, यही तो होता है सी इक्वलेंट। सीरीज में दो कैपेसिटर के लिए C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ध्यान रखना। तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन दो के तीन के साथ मल्टीप्लाई करो 6, और नीचे एडिशन 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। ये आ चुका है इनका सीरीज में, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सीरीज में ये आ गया, अब ये और ये जो इनका रिजल्टेंट आया वो और ये अकेला पैरेलल में हो जाएंगे। तो आप कहोगे हेयर C- and C1 आर इन पैरेलल। तो ये पैरेलल में है, तो इनका जो सी इक्विवेलेंट होगा वो एडिशन होगा, क्या होगा C- प्लस C1। तो C- की वैल्यू कितनी है 6/5 प्लस C1 की वैल्यू कितनी है 1। जरा सॉल्व कर लो, 6 प्लस 5 अपॉन 5, तो 6 5 कितने होते हैं 11/5, ये हो जाएगा। इसको करोगे तो 5 × 10, 1 बजे पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 5 × 10 ये आ चुकी है। अच्छा, यूनिट जो दे रखी है वो दे रखी है माइक्रोफेरेड, तो ये भी माइक्रोफेरेड में निकल कर आ जाएगा। तो आपसे यही पूछा कि सी इक्विवेलेंट बता दे भैया, तो 2.2 माइक्रोफेरेड आ चुका है। क्या समझ में नहीं आया आप लोगों को? बिल्कुल ईजी है, अंडरस्टैंडेबल है, फॉर्मूले पता हो सीरीज और पैरेलल के, बाकी फंडे क्लियर कराने का मेरा काम है। थैंक यू सो मच, अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं, बस बने रहो इसी तरीके से।